कमिंग टू सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी बड़ी एक चीज़ वायरल हुई बड़ी फेमस हुई इट्स ऑल ओवर द फेसबुक के एक हदीस है कि क्यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक द लैंड ऑफ अरब्स विल टर्न ग्रीन रिवर्स और मेडोज और ग्रीनरी वहां पे आ जाएगी आप तो अभी उम्र भी करके आए बल्कि आपने मुझे बताया भी, भी बता कि मैंने तो खुद देखा और वो मैंने भी देखी हैं। है। है। ये बहुत एक हॉट इशू टाइम इज है एक और चीज़ भी रिलेट कर रहे हैं लोग के ने फरमाया पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है ये आप लोग बताइए के माउंटेन्स में होल्स क्रिएट किए जाएंगे मक्का के माउंटेन्स में और उसको कहते हैं टनल्स जो बने हैं mm -hmm. वो एक बहुत बड़ा साइन है बल्कि ये, ये।, ये हमारे एक आलम दीना है उन्होंने ये हदीस बयान की थी जब हम उमरा करने गए थे हम ग्रुप में गए थे mm -hmm. मोहम्मद बिन तारिक की बात कर उन्होंने ये बयान किया था कि ये तो anyway, भी वन ऑफ द साइंस तो खैर एनी वे मैं पूछ रहा ये इतना क्लियर साइन है इफ़ यू टेक इट लिटरली सवाल मेरा ये कि एक होता है ना पर्सनल ओपिनियन माशाल्लाह आप दोनों इल्म के साथ जुड़े हुए हैं एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि यार हाँ नाउ वी कैन से कि टाइम इज़ वेरी नियर आपका पर्सनल ओपिनियन ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या बताइए आप पहले अच्छा देखिए ये जब हम कहते हैं ना कि द टाइम इज़ नियर नियर का क्या मतलब आ, ये नियर तो बड़ा एक रिलेटिव टर्म है फॉर एग्जाम्पल रसोल्ला वसलम की बेहतर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हिज प्रॉफिट हुड शोड दैट द टाइम वाज नियर बिल्कुल ठीक

नबी होना भी जो है ना वो एक साइन में से है बिल्कुल है आप के फौत होना भी एक साइन में से जी, जी। इसी तरह बाकी साइंस भी हैं बल्कि नबी ने कहा ना कि मैं और डे ऑफ जजमेंट इस तरह है। हाँ तो इस तरह के इशारे अब, से अब इसका है। क्या मतलब है बहुत करीब है लेकिन फिर भी कितने साल हो गए हैं चौदह साल फोर्टीन प्लस ईयर ठीक है सो आई थिंक टू गिव इट अ टाइम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल देखें जब ने आके अलैहि वसल्लम से पूछा पहले अशरात यानी साइंस के बारे में नहीं पूछा पहले डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा और लाग सुल लाग सुल लाग सुल ने क्या जवाब दिया कि जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा है दोनों को नहीं दोनों पता नहीं नहीं। तो हम भी जब कहते हैं ना करीब है टाइम तो आई डों मतलब क्या उसका बता देता हूँ जी फ्रॉम आर ओन आइज इन दिस एज कैन वी सी दो थिंग्स जो हदीस में बयान है अच्छा तो देखें आ, मैं अगर आप जैसा अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे ना मैं पर्सनली ना इसको आ, नहीं समझता कि ये इतना करीब है कि लट से कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होगा या एट लीस्ट आई वॉन्ट टू थिंक कि मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा सही ठीक है सही। Uh, मैं आई एम नॉट हु सम दी आइडिया कि यार काश ये हो और मैं भी देखूँ क्योंकि मुझे पता है कि और जिस तरह हर अल्लाह तला के नबी ने इस फितने से डरा है तो मैं तो मेरी तो एक विशफुल थिंकिंग और चाहत यही होगी कि यार मैं मेरी और, मेरी और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना उसको ना देखें लेकिन क्या ये होगा कि नहीं मेरी लाइफ टाइम में या मेरे बच्चों की लाइफ टाइम में आई हैव नो आइडिया अभी मैं यूट्यूब पे ना एक किसी ने वो क्लिप बनाया था मैंने क्लिप देखा नहीं लेकिन उसके थंबनेल में था

करीब है टाइम या इतना करीब है कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर होगा आपने पूछा कि क्या हम अनयूजल अकरेंसेज इस तक आपने क्या कि हम नहीं देख रहे हाउ डू वी नो कि आज से सौ साल पहले लोग नहीं देख रहे थे हाउ डू वी नो सो मेरे लिए इतना इतनी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर okay, इवन दो तो, okay. अगर मैं इसको आई थिंक वो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत करती है ये चीज़ लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला तला जानते हो लेकिन देखे ना स्ट्रेंज चीजें हाँ। तो हम देख रहे हैं एआई की फील्ड ले लें आप आप जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लें हाउ डज दल रियालिटी मीन के करीब है

रिलेट दैट इन दैट वे न तो पीपल आर समाव क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दीन एक ईमान बिल गैब पर बात करता है जन्नत पे बात करता है फरिश्तों पे बात करता है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड है तो शायद नौजवान के दिल में एक चाहत और एक उमंग है कि मुझे कोई ऐसी सुपर नैचुरल मेरे साथ आ, मेरे सामने अकरेंस हो जिससे मैं वाकई इतना में आऊँ या इंस्पायर करूँ कि मैं जो जिस बिलीफ को यानी वो मुझे ओ में डाल दे और मेरे लिए वो जो है ना वो यानी एक ऐसा एविडेंस हो जिसको मैं डिनाई ना कर सकूँ और दुनिया के सामने इस्लाम की एक मतलब आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ सेंसेशन दिस इज़ टाइप ऑफ फीलिंग दैट वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर इन फैक्ट तो शायद इसी को सामने रखते हुए दे आर एक्चुअली कि किसी तरीके से जल्दी कुछ साइंस ऐसी सुपर नैचुरली हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आज सामने hmm. तो आई थिंक दिस इज समथिंग अ लॉन्गिंग जो हमें अंदर आती है hmm. एक तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से तो दिस इज़ आर अब अगेन अल्लाह ताला के निज़ाम किस तरह चलता है हम अल्लाह के हमारी चाहत तो ये है लेकिन इट वर्क दैट वे आपको आप सरप्राइज किया ये जो मक्का में आपने विटनेस किया किया इसने आपको सरप्राइज इस जी जी मुझे सरप्राइज़ शर्प, किया लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने थोड़ी सी कुरब के हवाले से बात करता हूँ फिर मैं जरा इस पे आता हूँ जो करीब की बात है ना ये ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि असल में क़रीब का मतलब क्या है Uh, इसके बारे में इमाम ने किसी एक हदीस आती है असल में हदीस में आपके सामने पढ़ता हूँ उससे वा, वाजे होती है बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी वज़ात की बेसिकली ये द वे बुक कौन सी आपके पास है ये किताब है यार

असर और मगरिब की नमाज के दरमियान का यानी मगरिब के यानी सूरज के गुरुब होने का और असर की नमाज़ का जो टाइम है उतना है। सही। इस इस पे इमाम ने कसर रही तुमने कमेंट किया है <coughs> अलबिदाया क्योंकि ये उनकी आ, मास्टर पीस है मामी वो जी, कहते जी, ले है। ले हैं कि वह वहादर हदीत फ़ीद दलीला मुद्दत कसरतन बिन निसबती इलामा मवा और आगे चल के कहते हैं वालसर बिनसबती इला सबक़ी किनि ये जो जो कम है ना ये कहते हैं कि करीब है इसका मतलब असल में रिलेटिव टर्म है और इससे मुराद ये कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नेशंस अगर आप उनके टाइम को देखें और हमारे तो वो बहुत छोटा टाइम है सही, सही। तो इस परस्पेक्टिव से अल्लाह के रसूल सल्ला वसल ने जिक्र किया लेकिन देखें मकसद क्या ये भी याद रखना चाहिए मैं इसका मकसद ये भी नहीं है जैसे अहमद भाई ने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत अनलाइकली लिया क्योंकि देखें अगर आप तमाम अहदीस को सामने रखें ना आपको लगता है कि अभी मिसाल के तौर पे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं और वो इवेंट्स डेफिनेटली जैसे सही धरना ईसा आली सलातम का नज़ूल है जंगे हैं ऑल दो जंगे फ़ोरन भी हो सकती हैं दो तीन साल में भी सब कुछ हो जाता है टाइम बहुत जल्दी चेंज हो जाए हो रहा है लेकिन उसके बाद का जो टाइम है जिसमें दज्जाल का आना और फिर दज्जाल का पूरा वक्त है फिर अल्लाह के रसू फिर सही तरह ईसा अली सलात वाम का खलीफा बनना फिर खलीफ़ा के बाद जो है उनकी वफात होना और सारे फिर उनके आगे खुलाफा फिर डिटेरेशन आना पूरे माशरे में टू दी एक्सटेंड के एक वक्त आएगा कि एक भी अहले ईमान नहीं रह जाएगा सही यानी उम्मत एक दफ़ा ऊपर जाएगी फिर दोबारा नीचे यानी अभी हम डिक्लाइन पर हैं लेकिन अभी रू आएगा फिर दोबारा जवाल आएगा आप समझ लें कि एक टाइम लाइन है जो अभी शायद होने वाली है चालीस तो, साल तो सिर्फ हजरत ईसा वाले जी जी तो मतलब अगर वो आप हदीस को सामने रखते हैं तो इट्स अनलाइकली कि बड़ी क्या लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो हमें जो, मैं वो एक और हदीस देख रहा था तो ये सारी हदीस तो ये देखें अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना हदीसेंदीस देखेंदत लतस्ब को नहीं आपने कहा मैं मैं और क्यामत जो है बिल्कुल इस तरह इकट्ठे इकट्ठे आए हैं शायद वो मुझसे पहले आ जाए hmm. यहाँ तक sure. तो इस इन अहादिश को जब आप सामने रखते हैं ना तो पता ये चलता है कि एक है अपने लिए एक मैसेज उससे हमारा मैसेज हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार

नहीं। नहीं, मैं क़यामत की बात कर रहा हूं मैं साइंस की बात नहीं कर रहा साइंस तो फ़ौरन आ सकते हैं तो कोई लेकिन जो क्यामत का जहूर है ना जैसे हम ऑफ़ जजमेंट की बात करते हैं उस पर एक एक टाइम है जिसको वो भी करीब है कुरान ने कहा एक तरबतुन शक्ल कमर वो भी कुरान ने करीब का है लेकिन उस करीब से मुराद बेसिकली आपका एक रिलेटिव करीब है यानी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नेशनस लेकिन साइंस ऑफ दी आवर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं वो हो सकता है कल आ जाए हो सकता है अभी आ जाए हाँ. हो सकता है ज़रूर भी हो गया जैसे आपने कहा ये आपने जो साइन बताया ना मैं आता हूँ उसकी तरफ जो आपने बात की जी. ये बिल्कुल ये हदीस में आता है सही सहीबन बुख, सही बुखारी की हदीस है कि आप सब सब ने फरमाया कि आपने ग़ब तबूक से वापस आ रहे थे ालिबन जंग से तो आपने पानी वहाँ पर बहाया तो आपने कहा कि ये सारे जो इलाका है ये देखना ये बागात बन जाएगा अब बड़े हरान में कि ये तो ऐसा इलाका है पथरीला पथरीला इलाका है यहाँ पर कैसे हो सकता है और आज एग्जैक्टली exactly, मैंने अपनी आंखों से माउंटेंस देखे हैं तो लिटरली सुबह अल्लाह एक एक इतमान होता है एक को जी uh, वो खुशी भी होती है कि अल्लाह की तरह ईमान भी मजबूत होता प्रोफेसी, कि प्रोफेसी, हो रही है लेकिन अली भाई असल में अगेन अली इनका जो बात है ना वो बड़ी अहम है कि इन साइंस ऑफ ताल्लुक ईमान की मजबूती के साथ तो है डेफिनेटली लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इनको जबरदस्ती इनके पीछे भागें वेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बट ये भागना ना ये जो अप्रोच है कि तो टू किसी तरीके हाँ। से जबरदस्ती देखिए हमारे कुछ स्कॉलर हैं हाँ। जो करते हैं वो हर इवेंट को कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं यानी ओबामा के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ था जैसे आप ही पहले बता रहे थे पता नहीं कि किसको किसके साथ जोड़ा किसको किसके साथ जोड़ते हैं आज है ये हो गया यूक्रेन वॉर हो गई है पे देखो ये एम बी एस जो है उनको जोड़ दिया एमबीएस को पता नहीं किससे जोड़ दिया कि एक वो नहीं। पता नहीं रैल पता नहीं।, नहीं इस तरह की चीज़ें तो ये अप्रोच जो है ना ये ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है ये ये एक यानी ये इट रेंडर्स प्रॉब्लम्स आई बिलीव लेकिन ये जो बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि मेरे अगर तो मेरे टाइम में आ गए इसका मतलब कि ही वॉज़ प्रिपेयरिंग सहाबाज़ माइंड के मे बी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए ऐसा तो नहीं नबी सरसल ने कहा ना कि नहीं अभी तो बहुत साल हैं अभी तो ये 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 साइंस जो है वो पूरे होने बल्कि पॉसिबिलिटी बता दी कि हो सकता है मेरे दौर में अगर आ जाए देखिए मेरा ख्याल आया रसूल अल्लाह वसलम जाना वो ये बात करे थे सहाबा की तरबियत करने के लिए सही और कि इस फितने के बारे में ना तुम्हें परेशान होना चाहिए और कि तुम्हें जो है अपने ईमान पे काम करने की जरूरत है हर नबी का हा हर, हाँ हर नबी हर ने, ने हर नबी ने, ने आके ये बात की दज्जाल के फितने के बारे, से आगाह किया और बाकायदा साल हजारों हाँ, साल हाँ, बिल्कुल है। और यानी लाग लाग था कि उनके जमाने में नहीं आएगा क्योंकि आप सल्ला ने भी बताया ना ईसा के बताया लेकिन तरबियत के लिहाज से उन्होंने साहबा को कहा तरबियत पे साहबा ने क्या कियामान पे काम किया अपने ईमान पे ऐसे काम किया है कि जो भी उनसे ईमान का तकादा जो भी करेगा ना वो देने के लिए तैयार है उसको तो हमारा भी जो है एटीट्यूड यही होना चाहिए बजाय आपको पता है ये वैसे काफ़ी कल्चर्स के अंदर ना ये प्रोफेसीज़ को बहुत ज्यादा एक अहमियत दी जाती है अगर आप फॉर एग्जांपल जूडे क्रिश्चियन कल्चर देखेंगे ना हाँ। उन्होंने इस वक्त जो बंकर बनाए हुए हैं पूरे पूरे न्यूक्लियर बंकर न्यूक्स बंकर दस दस साल का खाने का स्टोर किया हुआ तो ये ये तकल्लुफ़ है ये एक एग्जेजरेशन है Uh, हो सकता है उनको बंकर जो है वो काम भी ना आए उस वक्त hmm. हाँ इंसान अपने ईमान पे काम करे और, इस... और इसमें अली भाई एक अकीदे का भी मसला इसमें आता है कि hmm. आपने खुद ही मुहदत कर दिया ना जब आपने बंकर बना दिया इसका मतलब है कि आप शोर हैं जैसे इन्होंने कहा कि इनके फ्रेंड है।, है अगले चार पाँच सालों में hmm. अगरचे वो ये कह रहा है कि मैंने तो कोई फिक्स नहीं किया लेकिन उसने ये तो टाइम टाइमलाइन तो फिक्स कर ली ना कि यार वो मेरी जिंदगी में आएगा दो yes, yes. तो की, की, है। है, हाँ। की 2012 में आ कुछ आप हाँ। कह रहे हैं 2020 जी जी में वो, वो भी नहीं आई हाँ बारह का था बड़ा नई डेट है दो उनसे जो बारह में कह रहे थे क्या हुआ था बिल्कुल ठीक ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है Uh, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप, आप अपना व्यू दें नबी सल फरमाया तिरमिज़ी की द आवर विल नॉट बी स्टैब्लिशिलेट अर इज लाइक अंथ अंथ इज लाइक अ वी अज लाइक अ डे अज लाइक एन आवर एंड आवर इज लाइक दिटरल और इज इट पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि बहुत जल्दी टाइम पास करेगा करेंगे मोलोलम कि लिटरल है कि मेटाफॉरिकल है क्योंकि देखें हम आ, हम गैब में ईमान लेके आते हैं और हम हर चीज़ जो है एमपेसिज़म के ऊपर नहीं रखते हैं। तो हम ज़रूरी नहीं हमें कहें कि नहीं यार ये लिटरल हो ही नहीं सकता ये मेटाफोरिकल ही है तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अलैहि वसल्लम से, अल्ला से अल्ला इसकी अल्ला क्या है अब मा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बताएँ फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो हैं वो ये जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है उसको जोड़ते हैं इससे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब रसोल्ला वसम के ज़माने में ऊंट का सफ़र किया जाता है तो हफ्ते का सफ़र जो है आज कितनी देर में तय हो जाता है घंटों में तय हो जाता है So again, ये वाली जो हदीत uh, है और फॉर एग्जाम्पल जो आपने पहले वो शेयर की थी स्लेव बर्थ टू हर मास्टर ये वर्डिंग uh, रसूल की <सथित्वारीध> ऐसी है कि देर इज रूम फॉर इंटरप्रटेशन इन दिस एंड है एंड अगेन वही बात है कि जब एक इंसान इनको पढ़ेगा और उसको पता होगा हाँ यार आप सब के अल्फाज में ये बात भी बैठ सकती है ये भी बैठ सकती है ये भी बैठ सकती है ये भी बैठ सकती ठीके. है तो वो जब बयान करेगा ना इनमें से एक को चूज़ करते हुए तो उसको पता होगा कि यार मैंने इसमें से एक इख्तियार किया बाकी तीन ओपिनियन भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपनी बात के अंदर एक ह्यूमिलिटी होगी इसकी बात के अंदर बजाय एक वसूख होगा कि बस जो मैंने बात करूँ वही ठीक है बिल्कुल ये भी कह सकते हैं कि बरकत उठ जाएगी टाइम से देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बिल्कुल uh, मैं थोड़ा सा एक और वजाहत कर दूँ आपके सामने कि देखें हमारे दीन की ओवरऑल अप्रोच जो है ना अरे भाई वो यही है कि जैसे प्रिंसिपल भी एक जिक्र किया उन्होंने वो ये है कि तमाम जो अदीस हैं उनको लिटरल लिया जाए अच्छा। और अनलेस के दर इज़ एन एविडेंस के जिसमें हम कह लें कि दर इज़ इंटरप्रटेशन की uh, कोई एविडेंस हो कोई कॉन्टेक्स हमें बता रहा हो कि नहीं ये डेफिनेटली इंटरप्रटेशन है उसकी वजह ये कि इसी से मिलती जुलती एक और हदीस हमें दज्जाल के बारे में मिलती है नहीं। लेकिन नहीं। वहां पे मैं लगता है थोड़ा सा कि कि जैसे like like तो उस हदीस के अंदर सहाबा ने बाकायदा पूछा के रसूल से अल्लाह के रसूल हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे तो और आपने जवाब भी यही दिया आपने कहा तुम अंदाजा लगा लेना आपने ये नहीं कहा कि मेटाफोरिकल है तो आ, कहने का मतलब है कि इससे पता चला कि यानी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन mm. जैसे आपने बताया कि उसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि टाइम mm. जो है वो शायद शॉर्ट ना हो mm. आ, लेकिन दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सो mm. अहमद so, भाई वाली बात ही एक्जैक्टली exactly mm. ये है कि देखें मकसद क्या है अली भाई ये सारी डिस्कशन का मकसद क्या होता है आप इंटरपटेशन क्यों कर रहे हैं असल mm. में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिन करना अगर तो इंटरपटेशन आप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक और क्रिएट करने के लिए बेशुमार और चीज़ें जिससे आप और क्रिएट कर सकते हैं तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों में जिसके अंदर जूम आनी है आप करेंगे ना होगा ये कि कल को वो गलत हो गई या कोई और बंदा वो आपको कहेगा यार तुमने कैसी बोंगी बात की है कि इसका कॉन्टेक्ट या कोई और एविडेंस आपकी बात को वो कर देगा आप उन चीज़ों से और क्रिएट करें जिससे अल्लाह के रसूल ने हमारे असलाफ ने किए हैं ऑलरेडी किताबें मौजूद है उस पर नुकसान होता है दीन नुकसान का मजाक होता है। जीजी जीजी। मजाक है है हाँ, अच्छा अब अगर दूसरी दूसरी राय हो सकती है दूसरी यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंदा कि मैं सीखने के लिए करना मैं अपने आप को फितने से बचाने के लिए करता सकता हूँ अल्लाह फिर ठीक है तो अगर इसे मुराद ये कि टाइम ऐसा लगेगा जल्दी गुजरेगा तो इंसान जो है वो इतना मशगूल हो जाएगा अब आप सोचेंगे कि अच्छा मशगूल होने से मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ अपने दिन के लिए किस तरह वक्त अगर तो ये अप्रोच हो ना फिर तो कोई मसला नहीं है फिर तो और फायदा हो रहा है फायदा प्रैक्टिकल लाइफ का लेकिन अगर और सिर्फ हो तो और के अंदर भी मैं ये भी नहीं कहता कि और नहीं क्रिएट कर सकते कर सकते ऑब्वियसली लेकिन उसका भी एक ना उसकी एक बाउंड्री होती है क्योंकि और की मैंने आमतौर पर देखा लिमिट नहीं रखते लोग वो जब खींचते हैं ना तो फिर इतना आगे निकल जाते हैं